न्यूज़ डिवाइन के अपने सभी दर्शकों का निरंकारी स्टूडियो की समस्त टीम की ओर से मैं आपका साथी राकेश मुटरेजा हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, ये एपिसोड सन 2017 का पहला एपिसोड है। वर्ष बदल चुका है, वर्ष बदलते रहते हैं, समय अपनी चाल किसी के लिए भला कहाँ रोकता है। कभी कभी दिल ये कहता है कि वक्त थम जाए, ठहर जाए, और जैसे खुशी और आनंद का अनुभव उस पल में हो रहा है वो बस जस का तस बना रहे। पर परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। द लॉ ऑफ नेचर सेज दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। परिवर्तन से गुजरना, उसे समझ पाना, उसमें ढल पाना कई बार इतना आसान नहीं होता। पर संतों ने हर प्रकार के परिवर्तन को समझने और उसमें सहज होने का एक सूत्र दिया है, और वो ये कि अपना संबंध उससे जोड़ लें जो परिवर्तन के नियम से पृथक है, अलग है, न्यारा है। जी हाँ, ठीक समझा आपने, वो अपरिवर्तनशील सत्ता है प्रभु की, परमपिता परमात्मा की, जो स्वयं भी स्थिर है और जिसका मनन करने वाला भी, उसका चित्त भी स्थिर हो जाता है। दर्शक मित्रों, निरंकारी मिशन जो सन 1929 में स्थापित हुआ, आज तक अनेक परिवर्तन देख चुका है, परंतु जो परिवर्तन सन 2016 में आया उसके स्मरण से आज भी रूह कांप जाती है। जिसे समझ पाना तो दूर, संभल पाना भी कठिन प्रतीत होता है। लाखों दिलों की धड़कन, अनंत आंखों के नूर, न जाने कितने गिरतों का सहारा, निराकार का वो साकार रूप, जिन्हें हम सब हृदय सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नाम से संबोधित करते हैं, अपनी शारीरिक यात्रा को यकायक संपन्न कर गए। NIS 2 की तैयारियों के सिलसिले में नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर थे गुरुदेव, जहां कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के समीप एक सड़क दुर्घटना ने संसार से प्रेम और सत्य का मसीहा छीन लिया। आपके साथ नौजवान कर्मयोगी संत अवनीत जी भी इस हादसे में ब्रह्मलीन हो गए। दोस्तों, बाबा जी के जाने के बाद मिशन में भक्तों की क्या अवस्था रही? कैसे पूरा विश्व सदगुरु बाबा जी के जीवन के प्रति नतमस्तक हुआ? कैसे बेसहारा परिवार को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के गुरुपद पर आसीन होने पर संतोष प्राप्त हुआ? और कैसे एक बार फिर प्रेमा भक्ति का सफर अपने मिशन की पूर्ति के लिए निकल पड़ा? ये सब हम आपसे पिछले कई एपिसोड्स में शेयर कर चुके हैं, इसलिए अधिक विस्तार से नहीं, किंतु एक छोटे से कैप्सूल वीडियो के माध्यम से देखते हैं उस परिवर्तन की कुछ झलकियां, जिसकी स्वप्न में भी शायद किसी ने अपेक्षा न की थी। आइए देखते हैं हरदेव, एक मुकम्मल युग। एक समय ऐसा भी आया जब हर तरफ बहार थी, जब हवा में खुशी की महक थी, जब हर आंख से खुशनुमा सावन बरसता था, जब हर रूह इश्क के हकीकी में सराबोर थी। एक समय ऐसा भी आया जिसका नाम था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। कहते हैं कि केवल सतगुरु ही एक मुकम्मल संत होता है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपके जीवन के एक एक पल में देखने को मिला। सतगुरु स्वरूप पिता के आगे नतमस्तक होता एक सेवादार, मां का हाथ थामकर चलने वाला एक भोला बेटा, Thank you.
पल पल साथ निभाने वाला एक मुकम्मल जीवन साथी। बहनों की खुशी अपनी कलाई पर बांधने वाला उनका सोना सुनखा भाई। बेटियों के साथ मासूम बच्चे सा खिलखिलाने वाला एक पूर्ण पिता। पर इन सभी से कहीं पहले भक्तों के प्रति अपना तन मन धन समर्पित करता हुआ साकार सद्गुरु। लाखों भटकते हैं पर वो एक मंजिल दिखलाता है। लाखों रोते बिलखते हैं वो आंसू पोंछने आता है। दिल में उठती जो दुआ एक पल में ही सुन जाता है। वही नूरे जहां इस दुनिया में सतगुरु कहलाता है। छत्तीस साल का ये सफर आखिर कैसा सफर है। झोलियां भर भर के फूल ही फूल बांटे हैं पर खुद के लिए संजोए बस कांटे ही कांटे हैं। आप रातों को जागते रहे कि शायद हम जाग जाएं। आप हर मुश्किल राह पर चलते गए कि शायद हम संभल जाएं। आप जोड़ते रहे कि शायद हम एक हो जाएं। आपने हाथ थामे रखा कि शायद हम मंजिल तक पहुंच जाएं। आप बख्शते रहे कि शायद हम गलती न दोहराएं। पर खताएं होती रही, मैं गलतियां करता रहा और एक आप थे जो ढाल बनकर मेरे सामने खड़े रहे। मेरी खुशी के लिए नाचे। मेरी खुशी के लिए गाया। आंखियां खोलो भाई रा कान्यारी खिड़कियां खोलो रे। आंखियां खोलो भाई रा कान्यारी खिड़की खोलो। तरह तरह के भेष धारण कर आपने हम सभी को खूब हर्षाया। पर इस सभी के चलते आपने अपने साकार रूप में भी सदा निराकार ही दिखलाया। आपने तो एक मुकम्मल जिंदगी जी। अब अरदास यही बनती है कि हम भी आपके नक्शे कदम पर चल पाए, जिंदगी के फलसफे को समझ पाए। कि गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, क्या जाने कहां टूट जाए। तो हे सतगुरु वरदान दो कि बन जाए मेरी जिंदगी की पहचान यूं। जो मिले वही कहे मैं आपकी संतान हूं, मैं आपकी संतान हूं।
साथियों, बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन, उनके योगदान और उनकी पावन पुनीत विरासत, जो प्रेम, भक्ति, सत्य, सहनशीलता, विशालता और करुणा की एक अद्भुत गाथा है, युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। 2016 के समाचारों के राउंडअप के साथ प्रवेश करते हैं न्यूज डिवाइन के अगले पड़ाव में। लीजिए, हाजिर हैं हेडलाइंस ऑफ द ईयर। दिव्य वाणी, सेल्वेशन टूअर्स, समागम्स, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, दिव्यवाणी सेक्शन में हम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों को आप तक लेकर के आते थे, पर इस बार सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के प्रवचन, बल्कि उनके नव वर्ष पर दिए हुए आशीष आप तक दिव्यवाणी सेक्शन में आ रहे हैं। आइए सुनते हैं दिव्य वाणी। सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सात संगत जी, आज से एक नए साल की शुरुआत हो रही है। एक ओर जहां सारी दुनिया में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं साथ ही ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाला साल अच्छा बीते। निरंकार ही वास्तव में आनंद का स्रोत है और नए साल को आनंदमय बनाने का एकमात्र रास्ता भी यही है कि हर एक पल निरंकार को समर्पित होकर बिताया जाए। संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपनी और अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगी बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। एक बार बाबा जी ने फरमाया था, मे वी ऑल बी देयर फॉर वन अनदर एज फेलो मेंबर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हम आज नए साल के इस अवसर पर ये प्रण करें कि अपने जीवन को बाबा जी के विचारों और शिक्षाओं के अनुसार जिएंगे। प्यार, मिलवर्तन, शांति और एकत्व का जो संदेश बाबा जी हमेशा देते रहे, वो हमारे बोलों और कर्म में प्रकट हो, ताकि हम बाबा जी की शिक्षाओं को संपूर्ण मानव जाति तक पहुंचा सकें। सात संगत जी, आज राजमाता जी का जन्मदिन भी है। हम सभी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी सभी के लिए एक प्रेरणादायक रही। उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जी जो सतगुरु को समर्पित होने के साथ साथ मानवता के लिए भी कल्याणकारी रही। राजमाता जी का जीवन आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। हम सभी उनके दिव्य गुणों को जीवन का आधार बनाकर उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहें। अंत में निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना है, इस नए साल में जहां सभी दया, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से युक्त हों, वहीं स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। दोस्तों, जैसे सूरज अपने प्रकाश से सबको लाभ पहुंचाता है, वृक्ष अपने फल से हर एक को पौष्टिकता देते हैं और नदी अपने जल से जीवन का वरदान देती है, ठीक ऐसे ही सदगुरु मानव कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इस तथ्य से भी हम परिचित हैं कि सदगुरु शरीर का नहीं, ज्ञान का नाम है, उस तत्व का जिसका बोध होने पर आत्मा मोक्ष की हकदार हो जाती है। इसी तत्व को हर मानव तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2016 में पहले सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और फिर सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज देश और विदेश के लाखों मनीषियों के उद्धार के लिए यात्राएं करते रहे। आइए देखते हैं कल्याण के सफर को सेक्शन सेल्वेशन टूअर्स में।
सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और आपकी सहभागिनी वर्तमान सदगुरु माता जी किसी भी मौसम किसी भी मुश्किल की परवाह किए बगैर जीवन पर्यंत मानवता के कल्याण हेतु यात्राएं करती रही। वर्ष 2016 में भी बाबा जी ने जहां देश के विभिन्न शहरों गांवों और कस्बों में रहने वाले भक्तों को कृतार्थ किया, वहीं दूर देशों की धरती पर बसने वाले भक्तों को भी अपने प्रेमा आशीर्वाद से निहाल करते रहे। साथ ही सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी जहां बाबा जी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहीं, वहीं सदगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत मई 2016 से स्थान स्थान पर जाकर भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करती रहीं। सबसे पहले जनवरी के महीने में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम पूज्य माता जी ने संयुक्त राज्य अमीरात की यात्रा की। इसी प्रकार कल्याण यात्राओं की अगली लड़ी में सदगुरु बाबा जी ने 4 फरवरी से 10 फरवरी तक पंजाब और जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न शहरों में रहने वाले भक्तों को कृतार्थ किया। सबसे पहले बाबा जी का आगमन 5 फरवरी को राजपुरा में हुआ। यहाँ की अनाज मंडी में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर सदगुरु बाबा जी साहनेवाल पहुंचे। यहाँ पर भक्तों को अपने स्नेहाशीषों से निहाल कर अगले दिन 6 फरवरी को लुधियाना में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भी रहमत बरसाई। स्थान स्थान पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए बाबा जी अमृतसर पहुंचे। अगले दिन 7 फरवरी को अमृतसर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भक्तों को रहमत प्रदान कर सदगुरु बाबा जी अगले दिन 8 फरवरी को मुस्तफाबाद सत्संग भवन पर पहुंचे। यहां उपस्थित भक्तों को अपने प्रेमाशीषों से निहाल कर कृपा निधान सदगुरु जम्मू कश्मीर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में पंजाब के कोटली मुगला सुजानपुर बुद्धि और जम्मू कश्मीर के कठुआ सांभा में भी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए 9 फरवरी को उधमपुर पहुंचे। उधमपुर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को कृतार्थ कर जम्मू कश्मीर आगमन हुआ। यहां पर 10 फरवरी को सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मानवता के मसीहा बाबा जी ने यहाँ पर भी भक्तों को भरपूर निहाल किया और वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गए। फिर आया मार्च का खुशगवार महीना और एक बार पुनः बाबा जी के पावन कदम मानव कल्याण की ओर बढ़ चले। 2 मार्च को दिल्ली के नरेला में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में कृपा निधान की पावन कृपा बरसी और इसी प्रकार 6 मार्च को राजस्थान के भिवाड़ी में भी सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संगतों को सदगुरु बाबा जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 13 से 18 मार्च तक सदगुरु बाबा जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की धरती को धन्य करते रहे। इस यात्रा का पहला पड़ाव बना यूपी का मुजफ्फरनगर। यहां पर 13 मार्च को आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भक्तों को भरपूर रहमतें प्राप्त हुई। इसी प्रकार 15 मार्च को नजीबाबाद में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भी संगतों को सदगुरु बाबा जी ने अपने पावन आशीर्वादों से नवाजा। तत्पश्चात 16 मार्च को बाबा जी का आगमन जसपुर में हुआ। यहाँ भी सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों से विशाल संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत कर सदगुरु बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार 17 मार्च को रुद्रपुर में भक्तों को खुशियां प्रदान कर बाबा जी यूपी के गजरौला पहुंचे और यहां पर सत्संग में उपस्थित संगतों को भरपूर निहाल किया। तत्पश्चात रास्ते में स्थान स्थान पर रुककर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के चंद दिनों के उपरांत सदगुरु बाबा जी मानवता के कल्याण हेतु अपने काफिले सहित राजस्थान की ओर रवाना हो गए। 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाली इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव बना राजाओं महाराजाओं की नगरी जोधपुर। यहाँ पर 14 अप्रैल को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगले दिन 15 अप्रैल को यहां से रवाना होकर सदगुरु बाबा जी बाड़मेर सत्संग स्थल पर पहुंचे। खुले वाहन में अपने आराध्य के दर्शन पाकर संगतों के चेहरे खुशियों से खिल उठे। यहां पर भी उपस्थित मानव परिवार को सदगुरु बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। इसी प्रकार 16 अप्रैल को बाड़मेर में एक बार पुनः भक्तों को आशीर्वादों से नवाजते हुए यहां से प्रस्थान किया और इसी दिन सदगुरु बाबा जी अपने काफिले सहित जैसलमेर पहुंचे। यहां पर भी आई हुई संगतों पर रहमत बरसाकर सदगुरु बाबा जी अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़े और इसी दिन बीकानेर पहुंचे। यहां पर भी सत्संग के रूप में आध्यात्मिकता की रूहानी धारा बह रही थी। आए हुए समस्त मानव परिवार ने जहां रूहानियत का आनंद प्राप्त किया, वहीं सद्गुरु के पावन आशीर्वादों का लाभ उठाया। रास्ते भर स्थान स्थान पर भक्तों को कृतार्थ करते हुए बाबा जी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में झुंझुनू पहुंचे। यहां पर आयोजित सत्संग समारोह में देर तक गीतों व्याख्यानों और कविताओं का समा बंधा रहा। अंत में बाबा जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा, एक
वृक्ष पेड़ के ऊपर पंछी बैठा हुआ और वृक्ष को आग लग जाती है, पेड़ को आग लग जाती है, और पेड़ को आग लगती है तो पेड़ वो वृक्ष वो पंछियों को क्या कह रहा है? वो वृक्ष पंछियों को कह रहा है कि हम तो दाफत पंख बिन तुम दाफत हो काहे, कि इस प्रकार से तुम तो अपना बचाव कर सकते हो। यानी कि इंसानों को कितने ढंगों से ये बात समझाने के प्रयास हो रहे हैं और युगों युगों से प्रयास किए गए ताकि इंसान इस असल बात को समझे। इस प्रकार राजस्थान की धरती को कृतार्थ कर सद्गुरु बाबा जी वापस दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुंचकर भी सद्गुरु बाबा जी के पावन कदम थमे नहीं। बुराड़ी रोड के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम के अलावा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सद्गुरु बाबा जी की पावन कृपा बरसती रही। फिर आया मई का महीना, जो निरंकारी जगत में एक भयानक तूफान लेकर आया। हर भक्त के हृदय सम्राट सद्गुरु बाबा जी 13 मई को अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर निराकार में लीन हो गए। कदम थम गए, वक्त की सांसें रुक गईं। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन के 36 वर्षों तक निरंतर चलने वाली मानव कल्याण यात्रा नहीं थमी, वो चलती रही और आज भी चल रही है। 14 मई 2016 को युग बदल गया और माता सविंदर हरदेव जी वर्तमान सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए। बाबा जी की प्रत्येक कल्याण यात्रा की सहगामिनी और साक्षी रही सद्गुरु माता जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर मानव कल्याण यात्रा की लड़ी सजी। इस यात्रा की शुरुआत 9 अक्टूबर 2016 को चंडीगढ़ से हुई। चंडीगढ़ में सद्गुरु माता जी की छत्रछाया में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चंडीगढ़ के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ। अपने वर्तमान सद्गुरु को अपने बीच पाकर भक्तों के मायूस चेहरे फिर से खिल उठे, आशाओं का सूरज फिर से उदय होने लगा। इस कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव में 13 अक्टूबर को सद्गुरु माता जी का आगमन करनाल में हुआ, जहां पर एक विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस सत्संग कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तजन सम्मिलित हुए। सद्गुरु माता जी को अपने समीप पाकर भक्तों की आंखें कभी नम हो रही थी तो कभी शुक्राने में हाथ जुड़ रहे थे। सत्संग कार्यक्रम में भक्तों के मुखारबिंद से भक्ति रस की अविरल धारा देर तक बहती रही। 26 अक्टूबर को ये रूहानी काफिला फरीदाबाद पहुंचा, जहां सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्रद्धालु भक्तों ने सद्गुरु रूप में पहली बार फरीदाबाद आए सद्गुरु माता जी का हार्दिक अभिनंदन किया। कल्याण यात्राओं की ये लड़ी दिसंबर के महीने में भी चलती रही। 11 तारीख को सद्गुरु माता जी का आगमन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। यहाँ पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भक्तों को सद्गुरु माता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 13 दिसंबर को मसूरी के भक्तों को सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 24 दिसंबर को सद्गुरु माता जी जालंधर पहुंचे। यहाँ पर नंद बुआ जी को श्रद्धांजलि स्वरूप विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में नंद बुआ जी के जीवन को याद किया तथा उपस्थित समस्त मानव परिवार को अपना ममता भरा आशीर्वाद प्रदान किया। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। सत्संग जी, हम बुआ जी के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसे जीवन हमेशा के लिए ही प्रेरणादायक होते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। जिन्हां दा कर्म जिंदा है कदे वो मर नहीं सकते। बाबा जी के बुआ जी होते हुए भी कभी उन्होंने रिश्तेदारी को पहल नहीं दी, गुरु भक्ति गुरु मर्यादा को ही पहल देते रहे। गुरु के प्रति निरंकार के प्रति उनका अटूट विश्वास उनकी कविताओं और वचनों में सुनने को भी मिलता था, और खाली सुनने को ही नहीं उन्होंने जीवन भी ऐसा ही जिया। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जहां कल्याण यात्राओं में भक्तों पर अपनी पावन कृपा बरसाते रहे, वहीं दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम में भी भक्तों को भरपूर दर्शनों व आशीर्वादों से कृतार्थ करते रहे। न्यूज डिवाइन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक, शीघ्र लौटते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। कल्याण यात्राओं के इस पैनोरामा को देखने के बाद वो पंक्तियाँ कितनी सत्य लगती है ना, कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात ना पात। कल्याण का ये सिलसिला जहाँ सदगुरु के टूर्स आदि के माध्यम से होता रहा, वहीं अनेक वार्षिक व प्रांतीय समागम प्रचार का पुख्ता जरिया बने रहे। चाहे वो भक्ति पर्व समागम था, महाराष्ट्र का वार्षिक समागम था, मानव एकता दिवस, मुक्ति पर्व या फिर 69वां वार्षिक संत समागम, समागमों की इस लड़ी में वो दौर भी आया जिसकी पूरी योजना स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी ने रची, NIS 2। पर विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ कि ये समागम एक श्रद्धांजलि का रूप बन गया, अ ट्रिब्यूट टू ह्यूमननेस, जिसके समाचार हम मिशन ओवरसीज सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं सभी समागमों से जुड़े समाचार अगले खंड में, जिसका नाम है समागम्स 2016। वर्ष 2016 में जहां एक ओर सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज और वर्तमान सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी देश विदेश की कल्याण यात्राएं कर भक्तों को कृतार्थ करते रहे, वहीं इस वर्ष अनेक समागम भी आयोजित किए गए। समागमों का शुभारंभ जनवरी के महीने में भक्ति पर्व समागम से हुआ। भक्ति पर्व का आयोजन 10 जनवरी 2016 को दिल्ली के समागम ग्राउंड में सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज और परम पूज्य माता जी की छत्र छाया में हुआ। इसी प्रकार जनवरी के महीने में सदगुरु बाबा जी का आगमन हुआ माया नगरी कही जाने वाली मुंबई में, जहां महाराष्ट्र का 49वां निरंकारी संत समागम 22, 23 व 24 जनवरी 2016 को नवी मुंबई के खारघर मैदान में आयोजित किया गया था। मुंबई के इस समागम में देश विदेश के कोने कोने से विशाल संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए। 3 दिनों तक चले इस समागम में रोजाना सत्संग कार्यक्रम के अलावा सेवादल रैली व गुरु वंदना कार्यक्रम में भक्तों ने अपने भाव भिन्न भिन्न भाषाओं व कलाओं के माध्यम से व्यक्त किए। वर्ष भर चलने वाले समागमों की श्रृंखला में 24 अप्रैल को सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में दिल्ली में बुराड़ी रोड के नजदीक समागम ग्राउंड में मानव एकता दिवस समागम आयोजित किया गया। इस समागम में बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं और बलिदानी भक्तों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में भक्तों का आगमन हुआ। इस अवसर पर दिल्ली और पूरे भारत के अलावा जहां विश्व भर में मानव एकता दिवस समागम श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, वहीं पूरे विश्व में स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए गए। मानव एकता दिवस पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए हुजूर बाबा जी ने कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी ने जीवन भर उसी सादगी को खुद भी अपनाए रखा, तमाम जिम्मेदारियों को उसी अनुसार निभाया और इस तरह से समाज के लिए भी एक सुंदर मिसाल बनते हुए उन्होंने मिशन की छवि को निखारा और उसको सुंदर रूप दिए, और फिर केवल देश तक ही सीमित ना रखा, फिर देश की रेखा को भी लांग गए और दूर देशों में अन्य मुल्कों में जाकर भी उन्होंने यही पैगाम दिया और राजमाता जी ने कदम कदम पर पूर्ण साथ दिया। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में आयोजित होने वाले ये अंतिम समागम थे, क्योंकि 13 मई 2016 को निरंकारी मिशन में युग परिवर्तन हो गया। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज सदा के लिए निरंकार प्रभु में लीन हो गए। समागमों की श्रृंखला चंद दिनों के लिए थम सी गई, किंतु अगस्त का महीना आते ही सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में 15 अगस्त को मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया। वर्ष 1980 से लेकर 2015 तक सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में मुक्ति पर्व समागमों का आयोजन प्रतिवर्ष होता रहा। इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष पहली बार ये ऐतिहासिक समागम संपूर्ण रूप से सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्र छाया में आयोजित किया गया। दिल्ली के अलावा ये समागम दिल्ली के विभिन्न प्रांतों और दूर देशों में भी मुक्ति पर्व दिवस के रूप में मनाया गया। इन समागमों के अलावा दिल्ली का वार्षिक संत समागम, जहां 1980 में 33वें समागम से लेकर 2015 में 68वें समागम तक लगातार सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में आयोजित होता रहा, वहीं इस वर्ष ये 69वां वार्षिक संत समागम
19, 20 व 21 नवंबर को दिल्ली में बुराड़ी रोड स्थित समागम ग्राउंड में सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की छत्रछाया में आयोजित किया गया। सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के परोपकारमय जीवन को समर्पित इस समागम का शीर्षक था मानवता एक समर्पित सफर। इस समागम में जहां लाखों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए, वहीं अनेक गणमान्य सज्जनों ने भी उपस्थित होकर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 3 दिवसीय इस समागम में आने वाले हर श्रद्धालु की निगाहें सद्गुरु बाबा जी को तलाश कर रही थीं और हर हृदय में उनकी कमी खल रही थी। सद्गुरु माता जी प्रत्येक भक्त पर बाबा जी की ही भांति कृपा दृष्टि बरसाते हुए भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। सत्संग समापन के अंतिम दौर में मानवता के मसीहा युग दृष्टा बाबा हरदेव जी महाराज को समर्पित एक सूफी संगीत संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गायक कलाकारों ने बाबा जी को समर्पित रचनाओं द्वारा बाबा जी की उपस्थिति को जीवंत कर दिया। इस प्रकार मानवता के मसीहा बाबा जी और सद्गुरु माता जी की रहमतें प्राप्त करते हुए वर्ष 2016 के समागम संपन्न हुए। तो देखा आपने मित्रों, सद्गुरु माता जी भी ठीक वैसे ही भक्तों को अपना प्रेम आशीष प्रदान कर रही हैं जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी किया करते थे। भक्त और भगवान का ये अद्भुत रिश्ता देश और विदेश के अनेक हिस्सों में अपनी आभा बिखरा रहा है। वर्ष 2016 में भी दूर देशों के हजारों भक्तों द्वारा सत्य के प्रचार के कई प्रयास होते रहे। The efforts and contributions of the devotees in the foreign branches of Sant Nirankari Mission have been motivating and inspiring. The youngsters in particular have been using novel ways to reach out to the society in spreading awareness on the need of spirituality in our lives. Here is a report on the activities of various international contributions of the mission in our section, Mission Overseas. The international branches of the Sant Nirankari Mandal organized many events throughout the year, including cleanliness drives and walks, blood donation drives, spiritual congregations, conventions, seminars, and street shows, etc. Many motivational walks and runs were also organized in the effort to spread the message of the mission to one and all. Various seminars focused on spiritual health, women empowerment, and other social issues were also organized from time to time. Various food drives were also organized for the needy. All the efforts, initiatives, and contributions by the volunteers and members of the Nirankari Mission were hugely appreciated, applauded, recognized, and rewarded by various organizations and communities the world over. His Holiness Baba Hardev Singh Ji also blessed the overseas devotees in 2016. The blessings of Her Holiness Mataji were also shared on many occasions in various branches throughout the year. The major event of 2016 in international branches of the mission was NIS2, the event envisioned by His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj himself, which later was organized as a remembrance of the life and teachings of Baba Hardev Singh Ji, called the Tribute to Humanness. Organized from 29th June till 3rd of July, the event was held in the city of Toronto, Canada. The convention saw many events like the Global Wellness Festival, the Canada Day Parade, where the key to the city of Niagara was also gifted to Her Holiness Mata Savinder Hardev Ji Maharaj, followed by a festival of music, Sevadal Rally, and finally the Tribute to Humanness Samagam, where all the devotees remembered and shared the blessings of Babaji with soaked throats and overwhelmed hearts. Well, friends, that was a brief of the spiritual contributions of the overseas branches of the mission. And before we move further into the next section, it is time to share a message. We shall be right back after a while.
इस संदेश के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, हमारा अगला सेक्शन निरंकारी मिशन के उस पहलू पर प्रकाश डालने वाला है जो आज जन जन तक निष्काम सेवा की मिसाल बन चुका है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले अनेक समाज कल्याण के कार्यों का मुख्य उद्देश्य है एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त समाज, और इसी की पूर्ति हेतु SNCF के स्वयं सेवकों और निरंकारी सेवा दल के सेवादारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए, जिनमें प्रमुख रहे ब्लड डोनेशन कैंप्स, स्वच्छ रेल अभियान, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, निरंकारी वोकेशनल सेंटर्स, चैरिटी फॉर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, हेल्थ एंड आई चेकअप कैंप्स आदि। आइए देखते हैं इन सभी योगदानों को SNCF डायरी में। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से देश भर में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। मानव हित में किए जा रहे इन कार्यों की लड़ी वर्ष 2016 में लगातार चलती रही। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहनुमाई में SNCF द्वारा 2 अक्टूबर 2015 से शुरू किया गया स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान वर्ष 2016 में भी लगातार जारी रहा। इसके तहत प्रत्येक महीने SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों द्वारा जहां राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों को चमकाया जाता रहा, वहीं मुंबई के रेलवे स्टेशनों सहित देश के अलग अलग शहरों में लगभग 50 रेलवे स्टेशनों की निरंतर सफाई की जाती रही। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2016 को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में इस अभियान का 12वां यानी अंतिम चरण का महासफाई अभियान चलाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों ने NDTV के साथ मिलकर देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की उत्साहपूर्वक विधिवत रूप से सफाई की। वहीं इस सफाई अभियान में देश के अनेक ऐतिहासिक और प्रमुख स्थानों को भी विधिवत रूप से चमकाया गया। स्वच्छता की इस मुहिम में लगभग 60,000 वॉलंटियर्स और सेवादारों ने मिलकर अपना योगदान दिया, जिसका NDTV चैनल पर सजीव प्रसारण भी किया गया, तथा मानव हित में किए जा रहे इस कार्य का बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सहित समाज के हर वर्ग द्वारा सराहा गया। 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस के अवसर पर देश भर में वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ स्वयं सदगुरु बाबा जी ने दिल्ली के समागम ग्राउंड में वृक्ष लगाकर किया। सफाई की मुहिम के तहत 23 फरवरी को प्रातः 6 बजे से SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों ने राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल तथा डॉक्टर हेड गेवार आरोग्य संस्थान के प्रत्येक परिसर की सफाई की। नवंबर माह तुगलकाबाद दिल्ली में भी बड़े पैमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ SNCF ने मिलकर 15,000 वृक्ष लगाकर वातावरण को सुंदर रखने का संदेश दिया, जहां SNCF के 1100 वॉलंटियर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिशन की ओर से एक ओर जहाँ वृक्षारोपण और सफाई अभियान चलाया जाता रहा, वहीं दूसरी ओर इन कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु अनेक प्रकार की रैलियां भी निकाली जाती रही। SNCF की ओर से कश्मीरी शरणार्थियों को भोजन व वस्त्र प्रदान किए गए। आपदा प्रभावित स्थान टिहरी गढ़वाल में स्कूली बच्चों के पढ़ने हेतु शेड लगाया गया तथा सहायता राशि प्रदान की गई। SNCF की ओर से उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित अनेक क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की गई। इसी प्रकार सितंबर के महीने में भी SNCF के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद व वाराणसी और मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। दिल्ली एथलीट्स एसोसिएशन द्वारा 28, 29 और 30 अप्रैल को 20th फेडरेशन एथलीट्स चैंपियनशिप का मेगा इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान के लिए एसोसिएशन द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को भी सम्मानित किया गया। 19 जून को SNCF के साथ अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय NGOs ने मिलकर गरीब बच्चों की प्रतिभा को निखारने हेतु संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से योगा कैंप लगाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर सहित हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने भाग लेकर योगा का लाभ उठाया। खून नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के इस कथन को सार्थक करते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2016 में भी देश भर में स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। इसी प्रकार 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव के तहत SNCF की ओर से
देश में अलग अलग स्थानों पर 79 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीयता रक्तदान अभियान के तहत पहली बार रक्तदान शिविर की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इसी प्रकार मई 2016 के बाद सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की रहनुमाई में भी ब्लड डोनेशन कैंप की लड़ी चलती रही। इसके अलावा रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर निरंकारी युवाओं द्वारा रैलियां भी निकाली जाती रही। निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान में बढ़ चढ़ कर योगदान देने के लिए जून के महीने में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर सीजी एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा मिशन को सम्मानित भी किया गया। इसी प्रकार मुंबई के विले पार्ले सत्संग भवन में ब्लड बैंक का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के पावन कर कमलों द्वारा किया गया। इसी प्रकार से पूरे वर्ष SNCF के तत्वाधान में स्थान स्थान पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसका भरपूर संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। SNCF की ओर से NVC के तहत संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी कैंप लगाया गया। दूर देशों से प्रतिवर्ष समागम में आने वाले कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम ने भी जनवरी के महीने में मुंबई समागम और नवंबर के महीने में दिल्ली के वार्षिक समागम में पहुंचकर मेहनत, लगन और निष्काम भाव से मानवता की सेवा की। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से देश के विभिन्न स्थानों पर नेत्र जाँच शिविर लगाकर मानवता की सेवा की गयी। इसी प्रकार मार्च के महीने में मुंबई में SNCF की ओर से नेत्रदान संकल्प शिविर लगाया गया। जनवरी के महीने में महाराष्ट्र समागम के दौरान सदगुरु बाबा जी की छत्र छाया में सामूहिक शादियों का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 145 नवयुगल वैवाहिक बंधन में बंधे। इसी प्रकार 28 मार्च को भी दिल्ली के बुराड़ी रोड के नजदीक ग्राउंड नंबर 8 में सदगुरु बाबा जी की छत्र छाया में सामूहिक शादियां की गई, जिसमें 10 नवयुगल जोड़ों ने विवाह के सूत्र में बंधकर सदगुरु बाबा जी से सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुंबई समागम के दौरान SNCF की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें संत निरंकारी चैरिटेबल द्वारा की जा रही कार्यों की गतिविधियों को रोचक ढंग से उकेरा गया। इसी प्रकार नवंबर के महीने में दिल्ली के वार्षिक समागम के दौरान भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से समाज सेवा के कार्यों को उकेरती ये प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका भरपूर संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस द्वारा 10 दिसंबर 2016 को द्वितीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर पीस हिज होलीनेस बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति समर्पित किया गया। 3 दिसंबर SNCF की ओर से बहन बिंदिया छाबरा जी ने नारायण सेवा संस्था उदयपुर के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नुमाइंदगी की, जहां SNCF के वॉलंटियर्स ने सभी सुविधाओं का ख्याल रखा। इसी माह 4 और 17 तारीख को हेल्थ चेकअप कैंप संत निरंकारी पब्लिक स्कूल गोविंदपुरी और तिलक नगर में भी लगाया गया। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से इस माह भी ब्लड डोनेशन की लड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप रायपुर और बैतूल मध्य प्रदेश में लगाया गया। 11 दिसंबर को SNCF की एक प्रदर्शनी उत्तराखंड समागम में लगाई गई, जहां आगंतुकों ने इसका अवलोकन किया। 21 और 25 दिसंबर को क्लीनलीनेस ड्राइव उल्हासनगर महाराष्ट्र और समागम ग्राउंड दिल्ली में चलाया गया, जहां SNCF के वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इसी माह दिल्ली में स्थित कश्मीरी रिलीफ कैंप में जाकर कश्मीरी शरणार्थियों को SNCF की ओर से राहत की सामग्री प्रदान की गई। दिसंबर के महीने में ही ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग न्यू दिल्ली में SNCF की ओर से नेत्रहीन लोगों के लिए एक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। SNCF के वॉलंटियर्स ने भी नेत्रहीन व्यक्तियों के सभी साधनों का ख्याल रखा। SNCF डायरी के बाद अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है एक खास मुलाकात। और इस बार ये खास मुलाकात हम करने वाले हैं उनसे जो न्यूज डिवाइन के प्रेरणा स्रोत हैं। न्यूज डिवाइन की ये यात्रा शुरू हुई 2014 जनवरी में, जब स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पावन आशीष देकर समझाकर इस टीम को इस प्रकार की रूपरेखा दी कि हम विश्व भर की निरंकारी मिशन की खबरों को आप तक हर महीने लेकर के आते हैं, संकलित करके आते हैं। पिछले दिनों सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने न्यूज़ डिवाइन की समस्त टीम को, न्यूज़ डिवाइन के दर्शकों को यानी आपको आशीर्वाद दिए, हम सबको आशीर्वाद दिए, और वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हमें सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में
मिशन के संदेश को, मिशन की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए इस विशेष आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। न्यूज़ डिवाइन के अगले सेक्शन में एक खास मुलाकात करते हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ। एक खास मुलाकात के बाद अब वक्त है अपने अंतिम सेक्शन की ओर रुख करने का, जिसमें निरंकारी जगत के सभी मिश्रित अन्य समाचारों को शामिल किया जाता है, जैसे प्रचार प्रसार, पब्लिकेशंस, सेवा दल, दफ्तरों के कार्यक्रम, इंटरनेट सेक्शन, यूथ एंड प्रचारक ट्रेनिंग कैंप्स, प्रेस एंड पब्लिसिटी, एग्जीबिशंस आदि। क्योंकि मिशन के इतने व्यापक रूप को संचालित करने के लिए अनेक प्रकार की सेवाएँ व योगदान दिए चले आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में अंतिम सेक्शन 2016 के अन्य समाचारों में। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज और वर्तमान सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी के मार्गदर्शन में मिशन की गतिविधियां वर्ष 2016 में भी अनवरत चलती रहीं। फरवरी के महीने में साउथ डिकोटा यूएसए से आए लेरी प्रेसलर ने सदगुरु बाबा जी से विशेष मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि ने सदगुरु बाबा जी से मुलाकात कर उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में पधारने का निमंत्रण दिया। होली के अवसर पर निरंकारी स्कूल के प्रांगण में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता जी की छत्र छाया में होली मिलन संगत का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा जी के चरणों में देर तक भक्ति के विविध रंगों के साथ बाबा जी की रहमत भी बरसती रही। बाल समागम, बच्चों के आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास हेतु आयोजित किए जाने वाले बाल समागमों की लड़ी वर्ष 2016 में भी चलती रही। देश भर में स्थान स्थान पर आयोजित हुए इन बाल समागमों में बच्चों ने अनेक मोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने भाव सद्गुरु के समक्ष रखकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार ये बाल समागम दूर देशों में भी आयोजित हुए। महिला समागम, वर्ष 2016 में निरंकारी मिशन में महिला शक्ति के सशक्त हस्ताक्षर दर्ज हुए और देश भर में स्थान स्थान पर महिला समागम सफलतापूर्वक आयोजित हुए। इन समागमों में बहनों की भरपूर भागीदारी दर्ज की गई। इसी प्रकार दूर देशों में भी महिला समागम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष इंग्लिश मीडियम समागम भी देश भर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मिशन के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। युवा ऊर्जा के भंडार को मानव कल्याण पथ पर अग्रसर करने के लिए निरंकारी मिशन समय समय पर अनेक वर्कशॉप आयोजित करवाता है। वर्ष 2016 में भी देश भर में ऐसी अनेक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। फरवरी के महीने में दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी के सत्संग भवन में एक चिल्ड्रन वर्कशॉप लगाई गई। मिशन के प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से वर्ष 2016 में भिन्न भिन्न स्थानों पर मीडिया वर्कशॉप लगाई गई। मिशन के संदेशों में प्रचार प्रसार लाने हेतु प्रचारकों एवं प्रबंधकों के लिए भी अनेक प्रकार के वर्कशॉप और ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2016 में भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, जिसमें मिशन के प्रचार विभाग की ओर से देश के विभिन्न स्थानों पर ये ट्रेनिंग कैंप्स और वर्कशॉप लगाकर मिशन के प्रचारकों और प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया।
प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों का सिलसिला भी वर्ष 2016 में जारी रहा। फरवरी और मार्च में यूपी के सहारनपुर व प्रतापगढ़, राजस्थान के अजमेर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में दरभंगा और गोवा इत्यादि राज्यों में इन प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ। सितंबर के महीने में शिमला में आयोजित प्रदर्शनी इवेंट ऑफ ह्यूमैनिटी को काफी सराहा गया। 69वें संत समागम के दौरान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निरंकारी प्रदर्शनी, बाल प्रदर्शनी व हेल्थ एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। मुख्य प्रदर्शनी सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज के परोपकारमय जीवन को समर्पित रही। छात्र छात्राओं के बहुमुखी विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास हेतु संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में भी वर्ष 2016 में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, साइंस एग्जीबिशन लगाई गई तथा बच्चों को स्पोर्ट्स एंड कल्चर में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कला उत्सव कार्यक्रम में संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं और अध्यापिका को कला के क्षेत्र में राज्य स्तर पर सर्वोत्तम भागीदारी के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मार्च के महीने में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल कॉलेज सोहना में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में एक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न खेलों के विजेताओं को सद्गुरु बाबा जी के पावन कर कमलों द्वारा पदक प्राप्त करने का सुअवसर मिला। सितंबर के महीने में टीचर्स डे के अवसर पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल निरंकारी कॉलोनी की ड्राइंग टीचर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुलाई के महीने में ऑस्ट्रेलिया के सांसद किम वेल्स मिशन के हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने यहां पर मिशन की गतिविधियों व सामाजिक सरोकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 29 अगस्त को निरंकारी कॉलोनी स्थित निरंकारी सत्संग भवन में राजमाता जी की याद में एक सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहन सुदीक्षा जी ने राजमाता जी के परोपकारमय एवं त्यागमय जीवन को याद किया। सितंबर के महीने में उत्तराखंड के मसूरी में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने एक समारोह में मसूरी के कैमलबैक रोड का नाम बदलकर निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी मार्ग व टाउन हॉल का नाम बदलकर बाबा जी के नाम पर रखने की उद्घोषणा की। इसी प्रकार दिसंबर के महीने में 24 तारीख को बंदियों के नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास हेतु निरंकारी मिशन द्वारा लखनऊ के कारागार में कायाकल्प सांस्कृतिक मंच का आयोजन हुआ, जिसमें बंदी भाइयों के अलावा कारागार के अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मंच से संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने बंदी भाइयों को आध्यात्मिकता व मानवता का संदेश दिया। दिसंबर के महीने में ही 29 व 30 तारीख को चेन्नई में एक यूथ वर्कशॉप लगाई गई, जिसमें युवाओं को मिशन की गतिविधियों की जानकारी दी गई। डीजे जनाब, जुदाई की घड़ियां नजदीक आ गई हैं और जुदाई भी तो एक परिवर्तन ही है। दोस्तों, एक बहुत ही मुकम्मल गजल का शेर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। पर जुदाई के खौफ से मुलाकातें बंद कर दी जाएं, ये भी कहां तक वाजिब होगा। मुलाकातों के सिलसिले बस यूं ही चलने दो, मुलाकातों के सिलसिले बस यूं ही चलने दो, कभी तुम हमसे मिलो और कभी खुद से हमको मिलने दो। मुलाकातें यूं ही चलती रहें, भक्ति और परोपकार की बातें यूं ही चलती रहें, ऐसी कामना करते हैं हम। तो दोस्तों, आपके साथ एक और सूचना भी साझा कर लें जनवरी महीने में आने वाले समागमों की। पहला समागम 15 जनवरी 2017 को भक्ति पर्व के रूप में गन्नौर में मनाया जा रहा है और दूसरा मुख्य समागम है महाराष्ट्र का मुंबई समागम, जो कि 27, 28 और 29 जनवरी 2017 को मुंबई के खारघर क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इन दोनों अवसरों पर, इन दोनों भक्ति समागमों पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इन समागमों के समाचारों के साथ साथ और भी समाचारों का, अन्य समाचारों का सिलसिला अगले महीने आपके साथ लेकर के आएंगे। तो इस वादे के साथ कि अगले महीने जनवरी माह की निरंकारी जगत की खबरें लेकर एक बार फिर न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ हाजिर होंगे, आपकी सेवा में मैं राकेश आपसे अनुमति चाहूँगा और ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें निरंतर देते रहें। अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस हमें newsdivine@nirankari.org पर निरंतर भेजते रहें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और सुंदर और मीनिंगफुल बना पाएं। आइए मिलकर ये प्रार्थना करें कि सच्चाई और अच्छाई का जो रास्ता हमें सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने दिखाया और जिस पर चलना सिखाया, उसी राह पर सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के
पावन आशीर्वाद और सानिध्य में चलने का हम सब मिलकर प्रयास करते रहें। विशिंग ऑल आवर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल 2017। इट्स टाइम टू बिड अडू इन दिस एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ न्यूज़ डिवाइन। टिल देन, नमस्कार, धन निरंकार।